और दूसरे प्रोग्राम में आगे भी इनसे ही जानते हैं। आपका नाम बताएं। चिंटू किराड़। क्या करते हैं चिंटू जी? खेती। खेती करते हैं। तो सपना हर किसी का होता है जीवन में, आपने क्या बनने का सोचा था, क्या सपना था? कहीं कोने फटफट आ रही खेती करे, मेरी खेती कराना फेट हुई। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? सातवीं आठवीं तक की है। तो खेती का काम आप करते हैं, तो क्या लगता है कि यही काम आगे करना चाहेंगे या कुछ और? यही काम करेंगे। इसके अलावा कोई सपना है ऐसा जो अधूरा हो आपका, जो पूरा करना चाहते हो आगे? कहीं कोने में सर्जरी पढ़ूंगा, बेचा पढ़ूंगा और खेती करूंगा। चलिए, अपना जो लाइफ है उसमें आप खुश है? जमीन आउटी जो हाल है, यानी बहुत सारी जमीन इनके पास है और ये सेटिस्फाइड है अपनी उसी लाइफ में। चाहते हैं कि खेती करें, जो इनके जानवर है उन्हें ये पालें, उनके साथ ही वक्त बिताएं और साथ ही अपनी फैमिली को एक बेहतर लाइफ दे पाएं। तो दोस्तों, अपना अपना सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, ये जो कर रहे हैं उसमें इन्हें खुशहाली, और आगे लोगों से जानेंगे कि वो किस बात में खुशहाल है। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे अब इनसे जानते हैं। सर, आपका नाम? मुस्तफा रावल। सर, कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं आप? लगभग 20 ईयर हो चुके हैं। 20 ईयर्स हो चुके हैं। तो सर, सपना आपका क्या था, यही चाहा था कि बिजनेस करेंगे या कुछ और आपने सोचा हुआ था लाइफ में? ऐसा कुछ नहीं था, तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रही ऐसा काम कर लिया। ओके, तो सर, बिजनेस आपने खुद ने शुरू किया या फैमिली बिजनेस को आपने ज्वाइन किया? फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया। जी, तो शुरू से जिस काम को आपने देखा उसे ही फिर आपने ज्वाइन कर लिया। चलिए, तो काम के लेवल पर तो आई थिंक आप सेटिस्फाइड होंगे ही। पर्सनल लाइफ में सर बात करें तो क्या ऐसी इच्छाएं हैं, क्या ऐसे सपने जो अभी तक अधूरे हैं जिन्हें आप आगे पूरा करना चाहते हैं? नहीं, नो प्रॉब्लम, सब जो सपने सब पूरे हो रहे हैं हमारे, तो कोई दिक्कत नहीं। सेटिस्फेक्शन यानी लाइफ में पूरी तरह से। चलिए दोस्तों, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है कि लाइफ में वर्क फ्रंट पर और पर्सनल लाइफ में भी आप सेटिस्फाइड हो, तो ये उन लोगों में से हैं जो अपने वर्क फ्रंट पर अपनी पर्सनल लाइफ में सेटिस्फाइड है। और आगे कुछ और लोगों से हम जानेंगे कि वो कितना सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में। और दोस्तों, प्रोग्राम मैं हूँ हारोती में, आगे अब इनसे जानते हैं इनके मन की बात। सर, आपका नाम? मेरा मुकेश कुमार जांगिड़ है। और सर, कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं आप? हम 2008 से बिजनेस कर रहे हैं। 2008 से बिजनेस कर रहे हैं। तो सर, ड्रीम आपका यही था कि बिजनेस करेंगे या कुछ और आपने बिजनेस सोचा हुआ था? मैडम, हमारा बिजनेस का ही है, परिवार से जुड़े हुए हैं, मतलब पूरा फैमिली बिजनेस है। चलिए, तो वर्क फ्रंट पर तो आप सेटल है, इसके अलावा पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो सर, कौन से ऐसे शौक है या कौन सी ऐसी इच्छा है जो अब तक अधूरी है, आगे क्या पूरा करना चाहते हैं? आगे तो व्यापारी इंडस्ट्रीज बनाना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। अच्छा, काम के अलावा सर, पर्सनल लाइफ में? काम तो हर कोई चाहता है कि बिजनेस। काम तो घूमना पसंद है, और क्या, एंजॉय करना पसंद है। चलिए, कौन सी ऐसी ड्रीम डेस्टिनेशन है जहाँ पर जाने का ख्वाब रखते हैं सर, ऐसी जगह जहाँ आप तक ना गए हो और जाने की आपकी इच्छा हो? वैष्णो देवी जाना चाहते हैं, माता जी के दर्शन और माता जी के आशीर्वाद के साथ ही चाहते हैं कि अपने बिजनेस को ये आगे नई ऊंचाइयों पर लेकर जाए। और प्रोग्राम में आगे इनसे भी जानते हैं। सर, आपका नाम बताएं? सूरजमल जांगिड़। सर, कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं आप? ये 2008 से ही चल रहा है काम। 2008 से आप कर रहे हैं इस बिजनेस को, तो सर, उससे पहले क्या किया करते थे आप? बस ये एग्रीकल्चर का, खेती का काम। जी, तो खेती का काम करते आ रहे हैं हम, दो साल पहले से छोड़ा है। okay. और मैं तो खेती का काम करता था, भैया जो दुकान का काम करता था और मैं खेती का काम करता। तो सर, खेती भी की, खेती भी की। ड्रीम सर यही था कि बिजनेस करेंगे, कुछ और आपने सोचा? भैया, जब पढ़ाई इसने छोड़ी, इससे पूछा भाई क्या करेगा, पढ़ाई करेगा आगे क्या करेगा, तो इसने यही बोला है कि मैं तो बस बिजनेस ही करूंगा। चलिए सर, आपके जीवन की बात करें तो उम्र का बड़ा लंबा सफर आपने देखा है, और आगे के जीवन में कौन सी ऐसी ख्वाहिश है या कौन सी ऐसी इच्छा है जो अधूरी है जिसे आप पूरा करना चाहेंगे? बस आवाज, अब तो ये कोई इच्छा पूरी नहीं है, अब तो सभी पूरी हो गई, अब तो बस आनंद ही आनंद लो, भगवान का नाम लो। क्या बात है, यानी संतुष्टि है? बिल्कुल, तो उम्र के इस मोड़ पर आकर इनके जीवन में संतुष्टि है, घर परिवार पूरी तरह से सेटल है, सारे सपने इनके पूरे हुए हैं और अब ये चाहते हैं कि बस भगवान का नाम ले, जीवन का आनंद ले। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे भी इनसे जान लेते हैं। सर, आपका नाम बताएं? राजेश कुमार। क्या करते हैं आप? दुकान पर काम करते हैं। तो और सर, आपके जीवन का सपना क्या रहा, आपने क्या सोचा था लाइफ में? ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ बनने का सोचा था? कुछ नहीं सोचा था। तो अभी ये जो काम कर रहे हैं आप, दुकान पर काम करते हैं, संतुष्टि है आगे के लिए, कुछ और आपने सोचा हुआ है कुछ बेहतर करने का? इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। बहुत संतुष्ट है। इसके अलावा कोई सपना है आपके जीवन में, कोई अच्छा जो अधूरी हो आगे पूरी करना चाहते हो? चलिए, इनकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन है, दुकान पर ये काम करते हैं, अपनी लाइफ से, अपने काम से संतुष्ट है। और प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से जानेंगे कि वो कितना संतुष्ट है अपनी लाइफ से। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे कौन है हमारे साथ, आइए बात करते हैं। सर, आपका नाम बताएं? महावीर प्रसाद। क्या करते हैं? सर्विस करता हूं मैं, जॉब करते हैं। तो सर, आपकी लाइफ का ड्रीम क्या था, आपने क्या बनना चाहा था सर?
अच्छा था पढ़ाई करने की जब स्कूल कॉलेज के दिनों में सर हम सभी का सपना होता है कोई डॉक्टर बनना चाहता है कोई इंजीनियर या कुछ और, तो आपने क्या सोचा था सर क्या था बनना थी? पुलिस में बनना था मेरा। ओके पुलिस बनना चाहते थे आप, तो सर कोशिश की आपने एग्जाम्स वगैरह दिए उसके लिए? कोशिश की लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। चलिए तो अभी जो आप काम कर रहे हैं इसमें कितनी सेटिस्फेक्शन है सर आपको? फुल सेटिस्फाइड। इसके अलावा कोई इच्छा है लाइफ में जो अभी तक अधूरी हो, कोई सपना जो पूरा करना चाहते हैं आगे? कोई इच्छा नहीं है। चल रहा है बढ़िया चल रहा है। चलिए इनका जो सपना था वो ये था कि पुलिस में जा पाएंगे लेकिन सिलेक्शन इनका नहीं हो पाया और अब ये अपना जो काम कर रहे हैं उसमें सेटिस्फाइड है, लाइफ में इन्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक है, खुशहाल है। और प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे उनके मन की बात। और आगे अब इनसे जानते हैं सर आपका नाम? श्याम शारदा। और सर कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं? 22 इयर्स। 22 इयर्स से। तो सर फैमिली बिजनेस है या आपने सेटअप किया? नहीं मैंने सेटअप किया। आपने ही सेटअप किया अपना खुद का ही? बिल्कुल। तो सर ड्रीम यही था कि बिजनेस करेंगे या कुछ और? नहीं नहीं पहले था सीए की तैयारी भी करी थी, कुछ इंटरव्यू क्लियर हुआ था लेकिन फिर आगे बिजनेस पे था तो बिजनेस ही चालू कर दिया जी। तो और सर ड्रीम तो कह सकते कि आपका पूरा? हां बिल्कुल बिजनेस का ही था। बिल्कुल बिजनेस का आपने सोचा, अच्छा बड़ा सारा बिजनेस आपने अपना सेटल किया तो एक ड्रीम तो आपका सर पूरा हो गया। बिल्कुल। इसके अलावा सर हॉबीज की बात करें तो जब फ्री वक्त मिलता है, अब तो खैर नहीं मिल पाता होगा इतना, लेकिन जब भी मौका मिलता है क्या करना पसंद करते हैं? शौक क्या? मैं तो बैडमिंटन का रहता हूं। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट? बिल्कुल बिल्कुल। तो बैडमिंटन खेलना पसंद? बिल्कुल खेलते भी, कभी कभी टाइम मिलता है जब फ्री टाइम में बैडमिंटन खेलने जाते हैं, यानी शौक के लिए भी आप वक्त निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा सर कोई ऐसी इच्छा है या कोई ऐसा सपना जो अब तक अधूरा हो आगे जिसे आप पूरा करना चाहते हो? देखो सपने तो देखो क्या है, सपने देखने में कोई अर्जी नहीं है। बिल्कुल सपने तो देखने चाहिए, वो कोई नहीं, बाकी ऐसा कोई सपना नहीं जो पूरा नहीं कर सकते। और इनका सपना था बिजनेस करने का, उसे इन्होंने पूरा किया और साथ ही साथ अपने काम के बीच बिजी शेड्यूल के बीच ये वक्त निकालते अपने शौक को पूरा करने के लिए। बैडमिंटन खेलने के शौकीन है और लाइफ इनकी बड़ी स्मूथ चल रही है। और आगे कुछ और लोगों से जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में। और दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में, आगे जानते हैं कौन है हमारे साथ। सर आपका नाम? क्या करते हैं सर? मैं महिंद्रा समेट में क्षेत्रीय अधिकारी हूँ यहाँ पे कोटा बारा बूंदी झालावाड़ जी। सर आपका क्या ड्रीम रहा लाइफ में, क्या बनने का सोचा था? मेरा तो ठीक ही था, कुछ ड्रीम तो अलग ही था, बट वहाँ पे नहीं जा पाया। सर वही अलग के बारे में, जैसे कि मेरा बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाना था मुझे पर वहाँ पे नहीं जा पाए, तो मार्केटिंग लाइन में है, अच्छा है यहाँ पे भी जी। तो बैंकिंग सेक्टर में जाने का ड्रीम था और मार्केटिंग के फील्ड में आप आ गए हैं, तो सेटिस्फेक्शन है? बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट। और हॉबीज की अगर आपकी बात करें तो क्या क्या हॉबीज है सर? हॉबी के अंदर तो काफी सारी है, जैसे कि क्रिकेट विकेट के अंदर भी हम काफी इंटरेस्ट रखते हैं, बाकी स्पोर्ट में अच्छा है। तो वक्त निकाल पाते हैं सर अपने बिजी शेड्यूल के बीच क्रिकेट वगैरह खेलने का? बिल्कुल बिल्कुल। ओके तो सर अगर आपको मौका मिले इंडिया की टीम के साथ खेलने का तो कौन से प्लेयर के साथ आप खेलना चाहेंगे? हम किसी के साथ में भी खेलेंगे अगर उनके साथ में, हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि इंडिया टीम के क्रिकेटर के साथ विराट। जी जी बिल्कुल। और सर उनके साथ खेलते हुए कौन सी टीम को हराना चाहेंगे? पाकिस्तान। चलिए हर इंडियन का ये एक बड़ा ड्रीम होता है, जो भी क्रिकेट के फैन है वो चाहते हैं कि एक बार उनके खेलने का मौका मिले और टीम इंडिया के साथ मिलकर के वो अपनी जो अगेंस्ट टीम है उसे हरा पाए। तो दोस्तों इनका सपना इन्होंने जो था देखा था वो कहीं ना कहीं ऑफ ट्रैक हुआ, लेकिन अब जो काम ये कर रहे हैं उसमें ये सेटिस्फाइड है। प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से हम जानेंगे उनके सेटिस्फेक्शन के बारे में। और आगे इनसे जान लेते हैं। सर आपका नाम बताएं? कैलाश। क्या करते हैं सर? खेती करते हैं। खेती करते हैं। तो सर आपने हमेशा से यही सोचा था कि खेती करेंगे या कुछ और आपने करने का सोचा था अपने जीवन में? सब सोचा लेकिन कुछ नहीं कर पाया, खेती करनी पड़ेगी। तो सर सपना क्या था आपका, क्या बनना चाहा था आपने? अरे इंसान की उम्मीद बड़ी होती है सब बनने के लिए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, खेती कर रहे हैं और क्या। ओके तो सर फैमिली में आपके जैसे बच्चे भी होंगे? बच्चे हैं। तो उनके लिए क्या सोचा हुआ है आगे? उनके लिए सोचा भाई बढ़िया से बढ़िया जिंदगी बने इनकी, पढ़ाई भी करे, वो आगे बढ़े, खेती नहीं करनी पड़े, लेकिन पढ़ाई भी करे, नौकरी भी करे, खेती भी कर रही है। जी बिल्कुल। तो सर बच्चों के लिए हर माता पिता का यही सपना होता है। इसके अलावा आपकी पर्सनल जिंदगी की बात कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी बड़ी ख्वाहिश है जो अभी तक अधूरी जिसे आप आगे पूरी करना चाहते हैं? अब क्या, अब तो जिंदगी पूरी हो गई, 55 साल के हो गए, अब तो खेती करते करते उम्र पूरी हो जाएगी और क्या हो जाए, क्या करें अब। चलिए तो इनका जो सपना है वो ये है कि जिस तरह का स्ट्रगल इन्हें खेती करते हुए करना पड़ रहा है वैसा इन्हें इनके जो बच्चे हैं उन्हें ना करना पड़े। ये चाहते हैं कि पढ़ लिख करके इनके बच्चे जो है एक मकाम पर पहुंचे ताकि उनके खुद के सपने पूरे हो सके और इनके सपनों को भी वो पूरा कर पाए। और आगे अब इनसे जानते हैं। सर आपका नाम बताएं? दीपक चौधरी। क्या करते हैं सर? मैं किसान भी हूँ और जॉब भी करता हूँ। क्या बात है, किसान भी और जॉब भी करते हैं। तो सर ड्रीम क्या था लाइफ का? ड्रीम है बस मेहनत करना है, कुछ डिफरेंट करना है।
कुछ डिफरेंट होता है, अच्छा लगता है, कोशिश भी करते हैं जी। इसको ऐसे करें या इसको वैसे करके देखें, वैसे करके देखें जी। यानी एक्सपेरिमेंट करना एक्सपेरिमेंट पसंद करते बहुत अच्छा हैं। बिल्कुल हाँ। तो सर जॉब भी कर रहे हैं और किसान वाला काम भी कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं, और जो यूथ होता है उनका बड़ा ऐसा डाइवर्जन है खेती की तरफ, तो एक मैसेज भी आपकी तरफ से। बिल्कुल, जो भी था मेरा, बट मैं 3 साल से किसानी में आ गया, क्योंकि डिफरेंट करने पे बड़ा अच्छा लगता है और किसान तो खेती करा है तो वो तो अच्छा लगता है। नए नए इनोवेशन करना आप पसंद करते हैं। इसके अलावा सर पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं तो क्या ऐसे शौक है, क्या ऐसे सपने जो अभी तक अधूरे जिन्हें आप आगे पूरा करना चाहते हैं? बस कुछ डिफरेंट करें, ताकि जैसे अपन गांव में करते हैं तो इस तरह से जैसे करते आ रहे लोग बाग वैसे करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं तो नई वैरायटी मिलती है, नई चीज मिलती है, नई तकनीक मिलती है, उससे उनको मोटिवेट मिलता है कि कुछ डिफरेंट है, वरना वही बोरिंग की तरह एक ही एक चलता रहता है, थोड़ा डिफरेंट होता है अच्छा लगता है। तो डिफरेंट मतलब करने के आप शौकीन हैं अपनी लाइफ में, ये चाहते हैं कि नए नए इनोवेशन, नए नए एक्सपेरिमेंट ये करते रहें और साथ ही कुछ ऐसा करें जिससे नए लोगों को भी और लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। तो दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती के आज के एपिसोड में कई सारे लोगों से हमने बहुत सारी मजेदार बातें की, उनकी लाइफ के बारे में जाना, उनके सपनों के बारे में जाना। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए लोगों और उनकी नई बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत निशा को, नमस्कार।